लेकिन अब आरके मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने जब आपने कहा अभी कि मिनी नरेंद्र मोदी ये केजरीवाल दिख रहे हैं, तो जब नरेंद्र मोदी खुद मिनी थे तब से मिश्रा जी ने उनको देखा है। तो आप मिश्रा जी, और आपने एक लेख लिखा अभी 4 दिन पहले डेक्कन हेराल्ड में, जिसमें आपने ये बताया कि कैसे यहां ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली थ्योरी गुजरात पहुंचकर शायद काम नहीं करती है, वहां जाकर बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस से मुक्त हो जाएंगे ये शायद मुश्किल दिखता है, और क्या चीजें हैं जो केजरीवाल में आपको बिल्कुल वैसी दिख रही हैं जैसी एक वक्त पे नरेंद्र मोदी में दिखा करती थी। आलोक जी, मैं थोड़ा सा पीछे जा करके फिर मुद्दे पे आता जी हूँ। आप नरेंद्र मोदी जी का करियर देखिए, लेकिन उससे पहले जो पूरा अभी यहाँ डिस्कशन चल रहा था उसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं पहले बता दूं फिर आगे चलता हूँ। वो गुजराती में एक कहावत है कि बकरी को बजाने गए तो ऊंट घुस गया। कांग्रेस मुक्त भारत करने गए थे, हाँ समझे, उसमें हाँ केजरीवाल घुस गया, आम आदमी पार्टी घुस गई। अब आम आदमी पार्टी इंक्लूडिंग के मिस्टर केजरीवाल, जैसे अनिल जी कह रहे थे अभी, इज एन एग्जैक्ट रिप्लिका इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स, कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की जो मैनुअल है वो चुरा ली है और उसको पन्ना दर पन्ना नहीं, चैप्टर दर चैप्टर यूज कर रहे हैं उन्हीं के सामने। ये एक बात। अब हुआ क्या है? हुआ ये है, जिस तरह से हम यहां से देख रहे हैं, हुआ ये है कि जब केजरीवाल जी के हाथ में पंजाब आया और गुजरात में उनको सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 27 सीट मिली और कांग्रेस वहां सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में साफ हो गई, तो इन लोगों की इंटरनल प्लानिंग में दो तरीके चेंज हुए। इन लोगों का इरादा, एक जिसे कहते हैं कि नाम नाम जोग, जिसे कहा जाता है कि नाम करने के लिए गुजरात में एंट्री करनी, और कोई ज्यादा बहुत सीरियस नहीं थे। हिमाचल पर उनका ध्यान ज्यादा था क्योंकि वो दिल्ली से कंटिजुअस लैंड मास बनाना चाहते हैं। पंजाब उनको मिल गया, हरियाणा उनको चाहिए, हिमाचल उनको मिलता है, तो उनका कंटिजुअस लैंड मास उनकी पॉलिटिक्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन उसमें दो तीन डेवलपमेंट्स हो गए। एक के सत्येंद्र जैन जो हिमाचल देख रहे थे, वहां उनको ईडी ने उठाया, वहां एक प्रॉब्लम हुआ, और केजरीवाल जी के घर पे अटैक हुआ। तो उन सब बीजेपी के जो यूथ विंग है उन लोगों का, उसके बाद जब उनकी थिंक टैंक फिर मिली तो उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई अगर इनको कंट्रोल करना है तो गुजरात में और जोर लगाना चाहिए। गांधीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इनको सीटें नहीं मिली बट इन्होंने कांग्रेस को काट दिया था। तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि अर्बन एरियाज में जो आम आदमी पार्टी घुसेगी तो वहां तो कांग्रेस नदारद है, तो बीजेपी के वोट बैंक में घुसेगी। पर जब आम आदमी पार्टी को ये रियलाइज होने लगा कि भाई हमको ये लोग दूसरी जगह मारेंगे, तो फिर उन्होंने स्टेप अप किया और गारंटीज जिस तरीके की देने शुरू करी और दिल्ली मॉडल वो लाए। अब आप जाइए नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाइए कि वो तो हिंदू हृदय सम्राट थे। फिर 2011 में उनको जब नेशनल पॉलिटिक्स में आना था तो उन्होंने 3 दिन की सद्भावना फास्ट करके और वो बिल्कुल वो नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गए। और केजरीवाल जी ठीक ठीक चल रहे थे, लेकिन वहां नीतीश कुमार जी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र किया था वो नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी जी पे कर दिया, बीजेपी पे कर दिया, और नीतीश कुमार उभर के आ गए एकदम और लगा कि भाई ये नेशनल पॉलिटिक्स में वो करेंगे। तो जो ऑलरेडी नीतीश कुमार वाया गुजरात और हिमाचल
जो आंसर बनने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी के, भाई नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो वो प्रोसेस उन्होंने एकदम स्पीड अप कर दी। वो गुजरात और हिमाचल के मॉडल से आंसर बनना चाहते थे और ये सब डेवलपमेंट्स के बीच रेवड़ी का उनको मौका मिल गया कि जब रेवड़ी के इश्यू उठाए गए उन्होंने उसको उठा लिया और वो नेशनल अल्टरनेटिव बनने के प्रोसेस में उन्होंने, आप देख रहे हैं कि 15 में 16 तारीख को उन्होंने वो अपने क्लियर भी कर दिया, 130 करोड़ पर चले गए वो सीधे। तो उनके नेशनल जो वो थे इंक्लिनेशन से वो क्लियर हो गए कि भाई ये इनके नेशनल इंक्लिनेशन। अब ये, अब मामला ये आ गया है कि अब मामला हुआ है आमने सामने और बहुत ही लड़ायक होकर के गुजरात में उतर रहे हैं और गुजरात में उतरने से हो ये रहा है कि अब वो फाइट हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, तेज होगी, क्योंकि अब उनके पास, अब उनके सारे इश्यूज जो केजरीवाल जी रेज कर रहे हैं वो नेशनल इश्यूज रेज कर रहे हैं कि भाई जो भी हो। दूसरा जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट खेल किया है वो ये किया है कि नरेंद्र मोदी जी की एक स्टाइल रही है हमेशा कि वो अपोजिशन के नाम पे और खास तौर से कांग्रेस के नाम पर वो सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी खुद देते हैं और उसके बाद नैरेटिव सेट करते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, नहीं मैं उसको फिर से रिपीट कर, कि 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने राजकोट में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए मुझे जितना मारना है मार लीजिए लेकिन सरदार पटेल और गांधी जी पर अटैक मत करिए। और कहा देखो इन लोगों को अब इस बात से ये हो रहा है कि चाय वाला ये बना रहा है और ये राजकोट से इनका संबंध ये कुछ कर नहीं रहे हैं, इस तरीके का उन्होंने पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया। अब इसमें समझने की बात ये है कि 27 साल से तो बीजेपी गुजरात में पावर में है तो करने वाले तो आप हैं, 27 में से 13.5 साल से तो आप ही हैं, तो नैरेटिव तो आप हैं, आप ही ने करना है, तो कांग्रेस कहां से आ गई, कांग्रेस तो कोने में पड़ी हुई है। तो इस तरीके से वो नैरेटिव सेट करते। अब आप देखिए कि केजरीवाल जी ने बिल्कुल वही काम कर दिया, उन्होंने रेवड़ी को लेकर के उलट दिया और निर्मला सीतारमन जाकर के डिफेंड कर रही हैं कि ये तो ट्विस्ट दे रहे हैं। नैरेटिव सेट करने के बाद उन्होंने पूरे डिबेट्स को और हर चीज को उलट दिया है, ही इज डूइंग अ नरेंद्र मोदी ऑन नरेंद्र मोदी, इस तरीके का। अब आप इस परिपेक्ष में जब पूरा नैरेटिव फॉलो करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि दिस इज व्हाट द करंट पॉलिटिक्स इज नाउ अबाउट। उन केजरीवाल को उभर के आना है और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो मॉडल पकड़ा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल ये है कि भाई स्कूल्स, अब यहाँ पर जिस तरीके का प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का तो स्कूल, सरकारी स्कूलों की तो हालत खराब है, दूसरे स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस ने जो है बिल्कुल बेतरतीब खोल दिए थे तो हम उनको क्लब कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में, ऐसी पोजीशन में ये छोटी छोटी चीजें आम आदमी को, कॉमन पर्सन को बड़ी अफेक्ट कर रही हैं। बिजली कॉस्टलीएस्ट है गुजरात में, अब कोई ये कहता है कि भाई हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे लेकिन अगर आप 301 यूनिट यूज करेंगे तो फिर आपको 301 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और हम आपको रेगुलर बिजली देंगे। रूरल एरियाज में बिजली का प्रॉब्लम है, अहमदाबाद से के आउटस्कर्ट्स में मैं रहता हूं, मेरे खुद में हर रोज बिजली जाती, अगर बैकअप सिस्टम नहीं हो तो मैं नहीं रह सकता है। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये चीजें टच कर रही हैं और जिस 27 साल में पावर में रहने के बाद बीजेपी जो है उसका एक मॉडल निकल आया है हर चीज में। इलेक्शन वो रेवड़ी की बात करें, ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये ऑर्डर्स कर दिए गए हैं कि भाई आपको 1,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स जो हैं 10 सितंबर से पहले इनॉग्रेट करने हैं।
ये तो मैं सिर्फ एक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बता रहा हूँ, पिछले 2017 में कितने प्रोजेक्ट 24 घंटे में अनाउंस हुए थे, करीब 11,000 करोड़ के, जिनके फाउंडेशन हो रहे थे, किसी का कुछ हो रहा था, भगदड़ मची हुई थी क्योंकि 24 घंटे बाद जो है अनाउंस होने से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परेशानी बीजेपी को ये हो रही है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो वो गारंटीज रख रहे हैं, उन्होंने ये कहा, केजरीवाल जी ने आके कहा कि भाई पुलिस को बेहतरीन, इंडिया में जिस स्टेट में बेहतरीन तनख्वाह, बेहतरीन वो हम देंगे। दूसरे के तीसरे दिन, आई थिंक विद इन अ वीक, जो है गुजरात गवर्नमेंट ने पुलिस वालों के अलाउंसेस बढ़ा दिए। अब रेवड़ी की बात है, तो ये सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है कि भाई रेवड़ी कौन बांटता रहा। अब रेवड़ी भी जो है वो चेंज हो जाती है चीजों से, क्योंकि महाराष्ट्र मॉडल एक है, महाराष्ट्र में आपने कुछ कर दिया कुछ नहीं, लेकिन अगर अगर नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया तो गड़बड़ है। तो उस तरीके से लबोलबाब ये है कि व्हाट केजरीवाल एज त्यागी जी कह रहे थे इज डूइंग नरेंद्र मोदी ऑन नरेंद्र मोदी इन गुजरात एंड एल्सवेयर, एंड ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द नेशनल अल्टरनेटिव टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। उनकी जो स्टाइल है उसमें भी थोड़ा सा वो है कि ये एग्रेसिव है, वो कंट्रोल्ड एग्रेशन सीख गए हैं, तो वो पैटर्नलिस्टिक हैं, वो सॉफ्ट हैं बोलने में, वो हैं भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं। पेज बुक वही है, 2014 में डेवलपमेंट के मॉडल पे नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद फिर वो वापस चले गए, जब भी आता है तो क्लीविंग पे चला जाता है मामला, लेकिन वही चीज ये कर रहे हैं, वही चीज ले रहे हैं। स्टाइल कॉन्ट्रास्टिक है, सॉफ्ट है, पैटर्नलिस्टिक है, जैसे कोई बुजुर्ग बात कर रहा है, ये हम कर देंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।